सिद्धार्थ नगर में स्थानीय जॉब कार्ड धारक मजदूर का नाम भी गायब, रोजी रोटी के लिए बढ़ा स्थानीय मजदूरों का समस्या। सिद्धार्थ नगर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना की धारणा से अब जॉब कार्ड धारक मजदूर भी गायब हो रहे हैं। जब जिम्मेदार भी इस योजना का लाभ दूसरे जगह से मजदूर लाकर खुद ही लेने लगे तो योजना का क्या होगा। मामला नौगढ़ तहसील अंतर्गत विकास खंड बटपुर के ग्राम पंचायत परसा डोला बहादुरपुर का है, जहां प्रधान व सचिव ने मनरेगा का कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है और वर्क परमिट के बाद भी मजदूर बेकार बैठे हैं। वहीं यहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान व सचिव पिछले 10 दिनों से गांव में मिट्टी का कार्य करा रहे हैं, पर उसमें मनरेगा के जॉब कार्ड धारक कार्य नहीं कर रहे हैं, वे ठेकेदार के मजदूर हैं। रोजगार सेवक ने ये भी कहा है कि ग्राम में लगभग 50 मजदूरों ने कार्य की मांग वर्क डिमांड की है। वही रोजगार सेवक की शिकायत को यदि गौर करें तो ये पूरा कार्य ही मनरेगा की धारणा को समाप्त करने जैसा है। रोजगार सेवक की शिकायत लगी है कि कार्य को शुरू हुए 10 दिन हो गए पर प्रधान व सचिव द्वारा मस्टरोल नहीं दिया जा रहा है। नगरा गांव एकमात्र ऐसा गांव नहीं है जहां ऐसा हो रहा है, ये तो नजीर मात्र है। हकीकत यह है कि पूरे जिले में मनरेगा में खुली लूट मची हुई है और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। इस बाबत डीसी मनरेगा संजय शर्मा का कहना है कि विकास खंड बटपुर के ग्राम बहादुरपुर के ग्रामीणों के आरोप गंभीर है, मामले की जांच की जाएगी। कहा कि हर हाल में गांव में हो रहे स्कूल की बाउंड्री वाल कार्य का मस्टर और रोजगार सेवक के पास ही होना चाहिए और वर्क डिमांड करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य देना भी प्रधान व सचिव की जिम्मेदारी है। वही खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आया है, इसके संबंध में सचिव से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, स्पष्टीकरण होने पर संबंधित पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये है कि मजदूरों को उनका हक देने वाले जिम्मेदार किस प्रकार उनके हक देना का काम करेंगे या कार्यवाही के नाम पर लिपा पोती करके अपने मातहतों को बचाने में लगेंगे। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी। एक मामला परसा का आया है, ग्राम पंचायत परसा का, उसमें जो है दूसरे ग्राम पंचायत से मतलब आदमियों से काम कराया जा रहा है, वहाँ के भी मजदूर ने, इस पे क्या कहेंगे आप? ये मामला संज्ञान में आया है, इसके संबंधित सचिव का स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उसके उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया, उसके बाद जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, सरकार द्वारा पलायन को रोकने, मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है और आपके विकास खंड बड़पुर के बहादुरपुर विद्यालय पे बाउंड्री वॉल का कार्य, जहां प्राइवेट मजदूर काम कर रहे हैं और गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। सर देखिए, आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है, हम इसकी जाँच कराएंगे और जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहाँ काम अच्छा कराया जाएगा। इस बाबत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी और BDO साहब ये कार्य करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम जांच करवाते हैं और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी बात। सर क्या नाम है आपका? बेतुलाल गौतम। कौन से ग्राम पंचायत है? बहादुरपुर ग्राम सभा परिसर टोला बहादुरपुर। अच्छा, यहाँ बाउंड्री वाल का काम कराया जा रहा है और बाहर से मजदूर बुला के, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सर जब हमको कोई नहीं सूचित किया, नहीं कोई बुलाया, तो हम अपने आप कहाँ जाएंगे? तो आप सबको कोई तकलीफ नहीं है इस बात को? क्यों नहीं सर, हमारे पास जब कार्य तो तकलीफ क्यों नहीं है? मतलब बेरोजगारी घूम रहे हैं तो आपको तकलीफ है इस बात को लेकर? जी तकलीफ क्यों नहीं। लगभग कितने लोगों का यहाँ होगा कार्ड? कम से कम होगा 10-12 का जॉब कार्ड है। 10-12 का, और इसमें से एक भी वहाँ मजदूर काम? क्या नाम है आपका? सुमित्रा। यहाँ जो है परसा, ग्राम पंचायत परसा में बहादुरपुर गांव में बाउंड्री वाल का काम कराया जा रहा है, तो बाहर से मजदूर बुला के कराया जा रहा है, आपके पास कैसे करेंगे? तो आपको तकलीफ है इस बात को लेकर? है ना, तकलीफ है। अगर बुलाते आप बेरोजगार हैं इस समय? हाँ, हमारे खेती बाड़ी ना है, हमन के का वाला परेशानी है, तो जब हमें सुनाई कहा था हमारे कैसे जाए जा? हमारे तो हेरी था कि मतलब आपको कार मिले। हाँ, हमन के कारोबार में नहीं हो कि मेरे हेरी था कि मैंने कार कैसे मिला, कैसे दिया खावा जा, जनाए बताओ तो हमारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपके गाँव से एक भी मजदूर नहीं है बाहर के हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं बताओ था हमन पूछे तो मेरे कहा। आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं किया था इस बात को?